like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी रात का टाइम है और चिकन विंग्स हाफ के जी मैंने लिए हैं। इनको मैं यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल मेरे पास रखा हुआ था, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक जो पाउडर होता है ना, ये एक्चुअली फ्रिज में मैंने रखा होता है। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला इनको सेट करूँगी। ज़रा पहले हर चीज़ फ्रिज में रखी होती है तो इस तरह से ज़रा हो जाती है। तो खैर, गार्लिक पाउडर मैंने डाल दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। और आपको मैंने बताया हाफ के जी विंग्स हैं तो उस हिसाब से मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने लेमन जूस डाल दिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लेमन जूस ना डालिएगा, फिर इसमें खटास बहुत आती है, फिर उसी का टेस्ट ना बड़ा शार्प सा आता है। इसमें मैंने मिर्चें डाली हैं, हल्दी, ज़ीरा पाउडर डाला है और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, और एक टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर के। इसमें मैंने कुछ और भी ऐड किया था, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अच्छा जी, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा टिक्का मसाला। टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला कोई भी हो, आप इसमें हाफ टेबल स्पून डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, ओवरनाइट रखूंगी, और इंशाल्लाह ताला कल जो है ना हम इसको बनाएंगे, फिर मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से एयर टाइट जार में रख के मैं फ्रिज में रख दूंगी। और थैंक यू सो मच, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से अम्मी के बैग से पैसे निकाले गए थे, और बहुत सारी और ख़वातीन भी थी और लोग भी थे, उनके बैग से भी इस तरह सेम टाइम पे निकाल लिए थे। तो आप सब ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमेंट्स किए, मैसेजेस किए, बहुत सारी दुआएं दी। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, महफूज रखे। और वही बात है ना, आजकल जो अब महंगाई के हाल हैं और जो पाकिस्तान के स्पेशली हाल हैं, तो उनमें हमारा तो देख देख के दिल जो है ना बस वो अजीब सा ही हो रहा होता है। सारा टाइम, दिन रात हम लोग दुआएं कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। अभी सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे है ये, और यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया, तो अभी नाश्ता करने लगे हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी धूप आ रही थी, मैंने कहा चलो आराम से बैठ के और नाश्ता करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई पता नहीं चलता, वेदर की कुछ भी समझ नहीं आती है। आप जब खाना खाना या नाश्ता करना स्टार्ट करते हैं, आपके खाते खाते ही धूप जो है ना वो चली जाती है। तो खैर, यहाँ का वेदर जो है ना वो इसी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ समझ नहीं आती है। और सर्दी तो जाहिर है अभी स्टिल है, लास्ट ईयर जब मैं थी तो फरवरी में भी स्नोफॉल हो रही थी, तो अभी खैर ठंड तो रहेगी, लेकिन यह है कि जब थोड़ी सी भी धूप निकलती है ना, यकीन करें इतना अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं धूप में बैठ जाऊँ, चाहे खाना पीना हो या वैसे ही थोड़ी सी धूप लगवा लूँ, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है और हम लोग तो बिल्कुल ही धूप के लिए तरस जाते हैं। खैर, थोड़ी थोड़ी धूप जो है ना वो यहाँ पे निकलती रही, और ये देखें बस फिर उसके बाद बादल आ गए। अभी दोपहर का टाइम है, दिन लंबे हो गए हैं, लेकिन फिर भी धूप जो है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे भाई को मैंने कहा था थोड़ी सी वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद को बहुत मिस करती हूँ। आप सब भी मेरे पुराने व्लॉग्स, पाकिस्तान के व्लॉग्स बहुत मिस करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना के मुझे भेजना। अच्छा जी, तो आज नेक्स्ट डे है, अभी नेक्स्ट डे है और शाम का टाइम है। अभी मैंने इसको ओपन किया है और अभी इनको मैं बेक करूँगी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा अभी डालूँगी मैदा। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाल दिया था कल ही, अभी थोड़ा सा मैदा डालूंगी, और गलती से बेसन ले आई हूँ एक मिनट। तो अभी इसका जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी होगा ना, तो वो भी ये सोक कर लेगा और दूसरा थोड़ा सा क्रिस्प भी आ जाएगा, तो इसलिए इसमें मैंने मैदा डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी नमक, क्योंकि मैदा ऐड किया है, और थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्चें डालूंगी। नमक डालते हुए हमेशा डर लगता है कि ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने दूसरी वाली उठा ली है, ख़त्म है ये वाली, लेकिन चलें हो जाएंगी।
तो ये है जी हमारी बेकिंग डिश, और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल के, और अब इसमें एक एक करके मैं डाल दूंगी, और अभी मैं फ्राइज भी कट करूंगी क्योंकि उस्मान को फ्राइज बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी मैं कट करूंगी। थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालूंगी, थोड़ा सा जो है ना ये मैंने डाल दिया, और इसलिए ये वाला साइज मैंने लिया था क्योंकि हम दो लोगों के हिसाब से, या वैसे भी ये सही है। और यहाँ पे मैं अब कर दूंगी इसमें थोड़ा सा स्प्रे ताकि ऊपर शाइन भी आ जाए, क्योंकि मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ ना, फ्राई से तो फिर भी बेहतर ही है, तो हल्का सा स्प्रे बस कर रही हूँ, काफी है। वैसे तो मैं ना भी करती अपने लिए बनाती, लेकिन थोड़ा सा उस्मान को जरा फ्राइड वाली अच्छी लगती है ना, वो जो टेस्ट और लुक आती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया। तो ये देखें जी, अभी ये खैर मैं इनको बेक करती हूँ, और दूसरे एक ट्रे में ना मैं आलू काट के और वेजेस या फ्राइज काट के रखती हूँ, ये देखें। तो चलें इसको ओवन में रख देते हैं, ओवन में 200 पे मैं रखूँगी इसको, और जब तक बाकी काम करूँगी ये बेक हो जाएंगे अभी। तो विंग्स को मैंने ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे फ्राइज जो है ना वो भी बना के और मैं रख दूंगी ओवन में। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एयर फ्रायर के बारे में, ओवन के बारे में। तो एयर फ्रायर में चीज़ें, आप चिकन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक थोड़ी सी ये होती है, जैसे मेरे पास अब एयर फ्रायर, मैं इसकी बात कर रही हूँ, वैसे तो अब बड़े वाले एयर फ्रायर भी आ गए हैं, लेकिन हम जैसे दो लोग हैं तो हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक फ़िलहाल तो है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ बना सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि आप बहुत ही कम ऑयल में बनाते हैं, उसके अलावा ये है कि चीज़ बहुत ही जल्दी बन जाती है आपकी विदाउट ऑयल, या थोड़ा सा ऑयल आप डालते हैं तो उसके साथ। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा चीज़ बनानी होती है, ज़्यादा क्वान्टिटी में बेक करनी होती है, तो फिर मैं बड़े वाले ओवन में रखती हूँ। फ्राइज पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल रही हूँ, और बस इनको भी मैं रख दूंगी ओवन में। ओवन में विंग्स भी बेक हो रहे हैं, ये भी बेक हो रहे हैं, तो तकरीबन 40 मिनट 50 मिनट जो है ना वो आराम से लग जाते हैं, स्पेशली चिकन जब आपका कच्चा होता है, जब आप डायरेक्ट रख देते हैं ना तो इतना टाइम लगता है। 30 मिनट मैंने इनको रखा, 30-35 मिनट, और ये देखें अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी यहाँ पे, ताकि दूसरी साइड जो है ना उस पर भी कलर आ जाए। इसको मैं एक मिनट कर लूँ, ख्याल से ये ना वीडियो बनाने के चक्कर में ख़राब हो जाए। एक्चुअली आप जब भी ऐसा कुछ करें ना काम, तो आप ओवन को बंद कर दें, क्योंकि ओवन जो है ना फिर वो उसका जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। तो इसको मैं अभी साइड चेंज करके दोबारा रख दूंगी, और थोड़ा सा जो है ना दूसरी साइड पर भी कलर दे देंगे। आप इनको ना, मैं तो बेक कर रही हूँ, आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, और फ्राई करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन जाहिर है कोशिश यही होती है कि ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ किया जाए, तो इसलिए बेकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ये देखें जी, साइड चेंज हो गई है, साइड चेंज करने के बाद आई है मैं इसको दोबारा रख रही हूँ ओवन में, और साथ साथ जब तक ये बेक हो रहे थे मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए, किचन मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि ये काम तो हमारे चलते ही रहते हैं, और फिर मैंने बाद में जब सारे काम कर लिए थे ना, उसके बाद फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी रात के टाइम, क्योंकि किचन के जितने भी टॉवल्स होते हैं, रुमाल्स, ये सारी चीज़ें, तो वो मैंने वॉश करने के लिए रख दिए थे। और मैंने आपको दिखाया था जो मैंने भरता बनाया था, तो ये भी मेरे पास रखा हुआ था क्योंकि हमने नहीं खाया था, और उसके साथ जो है ना मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, तो ये भी मैंने रख दी थी। मैंने कहा चलो उस्मान ये खाएंगे तो ठीक है, और मेरा तो बैंगन हो गए, या सॉरी भरता नहीं बनाया था मैंने, बैंगन जो है ना फ्राई करके बनाए थे, तो मुझे तो खैर बैंगन हर तरह से अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने रोटी बना के और मैंने ये भी सर्व कर दिया था, रख दिया था, ताकि ये है कि अगर उस्मान ने ये खाना होगा तो वो भी खा लेंगे, इवन कि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप अपने बजट में रह के या कम बजट के साथ ना इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं, एक दो चीज़ें बना लें, कम क्वान्टिटी में बना लें, या इस तरह से थोड़ा सा उनको आप अच्छे तरीके से बना लें, तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं, इवन के बच्चों को भी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ दही जो है ये मैं रखती हूँ, क्योंकि बैंगन जो है ना वो अभी हमने खाने थे, तो बैंगन के साथ हमेशा मैं दही जो है ना वो सर्व करती हूँ, और दही खाते हैं हम लोग। रोटी जो है वो बन गई, मैंने हॉट पॉट में रख ली, क्योंकि ठंड काफ़ी हो जाती है, और ठंड की वजह से खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और उसके साथ बैंगन जो है ना, इनको भी मैं डिश आउट कर रही हूँ,
और ख़राब तो खैर सब्ज़ी नहीं होती है, वैसे भी किचन में भी आप रख दें ठंड की वजह से ठीक रहती है। अदरवाइज़ आप एयर टाइट जार में डाल के आप इसको अगर किसी भी कंटेनर में रख के फ्रिज में रखते हैं तो भी ये बिल्कुल ही ठीक रहती हैं। खैर ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई और उसके बाद जो है ना अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि विंग्स कैसे बने। और ये देखें मैंने इस तरह से रखे हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही भारी है और जो डिश है बेकिंग डिश है काफ़ी भारी भी है, और नीचे जो है ना फिर ये भी डर नहीं होता कि आपका काउंटर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सारी शीट्स लगी हुई होती हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा जी, साथ साथ फ्राइज़ भी रेडी हो गए। फ्राइज़ मैंने इसके ऊपर ही सारे डाल दिए, इकट्ठे ही मैंने जो है ना वो इसको सर्व कर दिया था। तो ये देखें जी आपको कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।